अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कंप्यूटर साइंस पार्ट टू के 6 लेक्चर के साथ मैं हूं आमिर रऊफ। आज की इस क्लास के अंदर जिस टॉपिक को हमने कवर करना है वो है व्हाट नेसेसरी स्टेप्स आर टेकन टू प्रिपेयर अ सी प्रोग्राम फॉर एग्जीक्यूशन एक्सप्लेन विद डायग्राम। ये एक इम्पॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, इसे हमने लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर प्रिपेयर करना है। तो अगर हमने सी प्रोग्राम को अपने कंप्यूटर के ऊपर एग्जीक्यूट करना हो या हमने कोई सी प्रोग्राम एग्जीक्यूट करना हो तो उसके लिए हमें किन किन स्टेप से गुजर के जाना पड़ता है, तो वो 6 नेसेसरी स्टेप हैं जिनको हम स्टेप बाय स्टेप फॉलो करते हैं और हम अपने प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। उसमें सबसे पहला जो स्टेप है हमारे पास वो है क्रिएटिंग एंड एडिटिंग अ सी प्रोग्राम। सबसे पहले हम अपने प्रोग्राम को क्रिएट करेंगे, एडिट करेंगे। जैसे प्रीवियस वीडियो के अंदर हमने डिव प्लस प्लस जैसे हमने पिछली वीडियो के अंदर डिव सी प्लस प्लस के कंपाइलर को यूज करते हुए हमने अपने प्रोग्राम को क्रिएट किया था, एडिट किया था, उसके अंदर अपनी सोर्स कोड इंस्ट्रक्शंस लिखी थी। उसके बाद सेकंड स्टेप होता है अपने प्रोग्राम को सेव करना, थर्ड स्टेप अपने प्रोग्राम को कंपाइल करना, फोर्थ स्टेप प्रोग्राम के लिंकिंग करना और फिफ्थ स्टेप प्रोग्राम के लोड करना। जब हमारा प्रोग्राम लिंक हो जाए देन हम उसे मेमोरी के अंदर लोड करते हैं और लास्ट स्टेप है हमारे प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन करना। तो ये 6 स्टेप हैं, इनको हम स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन करेंगे कि इन 6 स्टेप के अंदर हम क्या क्या फंक्शन परफॉर्म करते हैं जिससे हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो सकता है। तो सबसे पहला जो है हमारे पास क्रिएटिंग एंड एडिटिंग सी प्रोग्राम। सबसे पहले हमें क्या करना होता है कि हमें अपने प्रोग्राम को क्रिएट करना होता है, हमने अपनी सोर्स फाइल को क्रिएट करना है, फिर उस सोर्स प्रोग्राम को उस फाइल के अंदर हमने एडिट करना होता है, यानी जो इंस्ट्रक्शंस हमने लिखनी है, जो हमने सोर्स फाइल बनानी है वो हम फर्स्ट स्टेप के अंदर करते हैं। तो मोस्टली हम एडिटर्स को यूज़ करते हैं, टर्बो सी प्लस प्लस का एडिटर, जैसे हमने डिफ सी प्लस प्लस का एडिटर यूज किया था। तो एडिटर को यूज करते हुए हम अपने सोर्स फाइल की इंस्ट्रक्शंस को इस स्टेप के अंदर क्रिएट करते हैं और एडिट करते हैं अपने सी प्रोग्राम को। सेकंड स्टेप है हमारे पास सेविंग अ सी प्रोग्राम। इस स्टेप के अंदर हम क्या करते हैं कि जो हमने एडिटिंग की है, जो इंस्ट्रक्शंस लिखी हैं, उनको अपनी हार्ड डिस्क के ऊपर सेव करते हैं। तो सेव जब करते हैं तो सोर्स फाइल की जो एक्सटेंशन है वो डॉट सी होती है। ये डॉट सी बताती है कि ये सी प्लस प्लस हाई ये डॉट सी बताता है कि ये सी लैंग्वेज की एक सोर्स फाइल है, यानी इस फाइल के अंदर जो इंस्ट्रक्शन लिखी हुई है वो सी लैंग्वेज के अंदर इंस्ट्रक्शन लिखी हुई है। लेट सपोज अगर हमने कोई प्रोग्राम बनाया, लेट सपोज हमने बनाया माई प्रोग्राम डॉट सी, तो ये डॉट सी बता रहा है कि ये एक सी हाई लेवल लैंग्वेज की सोर्स फाइल है जिसके अंदर सी की इंस्ट्रक्शंस लिखी हुई हैं। तो सेव करने के बाद जो नेक्स्ट स्टेप हमारे पास आएगा कंपाइलिंग अप सी प्रोग्राम। अब जो हमने सोर्स फाइल बना ली है उसको हमने कंपाइल करना है। कंपाइलर आपको पता है क्या काम करता है, हमारे सोर्स प्रोग्राम को, हमारा जो सोर्स प्रोग्राम है उसको मशीन कोड के अंदर ट्रांसलेट करता है। तो इस स्टेप के अंदर हमने अपने सोर्स प्रोग्राम को मशीन कोड के अंदर कन्वर्ट करना होता है। तो जब हम इसको ट्रांसलेट करते हैं, द सी कंपाइलर इज यूज टू ट्रांसलेट द प्रोग्राम सोर्स कोड इनटू मशीन कोड। तो हम जो सी का कंपाइलर इस्तेमाल कर रहे हैं वो हमारे सोर्स कोड को ऑब्जेक्ट कोड के अंदर यानी कि मशीन कोड के अंदर ट्रांसलेट कर देगा। अब जहाँ जब हमारी फाइल बनेगी तो उसकी एक्सटेंशन डॉट ओबीजे होगी, यानी जैसे पिछली मैंने बनाई थी फाइल, तो फाइल का नाम रखा था माए, तो हमने फाइल का नाम रखा था माए प्रोग्राम डॉट सी। तो ये तो थी हमारी सोर्स फाइल, लेकिन जब हम इसको कन्वर्ट कर लेंगे तो ये फाइल बन जाएगी माए प्रोग्राम डॉट ओबीजे, जो बताएगी कि ये एक ऑब्जेक्ट कोड है, इसके अंदर जो इंस्ट्रक्शन लिखी है वो मशीन लैंग्वेज के अंदर लिखी हुई है। नेक्स्ट स्टेप जो हमारे पास है लिंकिंग अ प्रोग्राम।
अब जब हम अपने प्रोग्राम को कंपाइल कर लेते हैं तो नेक्स्ट हमारा जो स्टेप होता है वो हमने अपने प्रोग्राम को लिंक करना होता है। इस स्टेप के अंदर हम क्या करते हैं, जो ऑब्जेक्ट फाइल हमने बनाई है, जैसे अभी हमने ऑब्जेक्ट फाइल बनाई थी माय प्रोग्राम डॉट ओबीजे, ये जो ऑब्जेक्ट फाइल हमारी बनी है, इस ऑब्जेक्ट फाइल को हमने इसके लाइब्रेरी फाइल्स के साथ कनेक्ट करना है। यानी जो हमने हेडर फाइल्स अपने प्रोग्राम के अंदर शामिल की हैं, हम अपनी ऑब्जेक्ट फाइल को उस लाइब्रेरी फाइल्स के साथ लिंक कर देते हैं, और जो फाइल हमारे पास यहाँ बनेगी उसकी एक्सटेंशन होगी .exe, यानी एग्जीक्यूटेबल फाइल। तो जब लिंकिंग करेंगे तो हमारे पास जो फाइल बनेगी उसकी एक्सटेंशन होगी माई प्रोग्राम .exe। ये एक्सटेंशन बता रही है कि ये एक एग्जीक्यूटेबल फाइल है, इसे हम अपने प्रोग्राम के अंदर एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो लिंकिंग के स्टेप के अंदर सिंपल क्या काम होता है, हम अपनी ऑब्जेक्ट फाइल को अपनी लाइब्रेरी फाइल्स के साथ, जो कि हमारी हार्डवेयर फाइल्स हैं, उनके साथ लिंक कर देते हैं, और यहाँ हमारे पास एक नई फाइल बनती है जिसका नाम है, जिसकी एक्सटेंशन जो सी है वो माई उस जिसकी एक्सटेंशन .exe होती है, और ये हमारे पास एग्जीक्यूटेबल फाइल इस स्टेप के अंदर बनती है। नेक्स्ट जो हमारे पास है वो है लोडिंग अ सी प्रोग्राम। जब हमारे पास एग्जीक्यूटेबल फाइल हो जाए तो आपको पता है कि कंप्यूटर कोई भी चीज़ जब एग्जीक्यूट करता है तो उसके सबसे पहले रैम के अंदर लोड करता है। तो जो हमने जो हमने माई प्रोग्राम .exe फाइल बनाई है, ये एग्जीक्यूटेबल फाइल है। तो लोडिंग क्या करती है, हमारी इस फाइल को रैम के अंदर लोड कर देती है, और वहां से कंप्यूटर इसको एग्जीक्यूट कर लेता है। जैसे अमूमन कोई भी फाइल है, जब वो एग्जीक्यूट होती है तो पहले रैम के अंदर लोड होती है, रैम से वो प्रोसेसर के पास जाती है। बिल्कुल इसी तरह लोडिंग क्या करेगी, हमारी जो .exe एक्सटेंशन वाली फाइल है उसको रैम के अंदर लोड कर देगी, और लोड करने के बाद वहां से कंप्यूटर उसको एग्जीक्यूट करवा सकता है। नेक्स्ट लास्ट स्टेप जो कि एग्जीक्यूशन है, जब हमारी .exe फाइल रैम के अंदर लोड हो जाए तो वहां से डायरेक्ट वो एग्जीक्यूट हो सकती है, इसे हम एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम कहते हैं। यानी द प्रोग्राम इज एग्जीक्यूट ऑन द कंप्यूटर, द सीपीयू फेच इंस्ट्रक्शन फ्रॉम द मेमोरी वन बाय वन एंड टेक एक्शन ऑन देम। और जैसे आपको पता है कि रैम के अंदर हमारी इंस्ट्रक्शंस होती हैं, कंप्यूटर वहां से फेच करता है, डीकोड करता है और एग्जीक्यूट करता है, जो कि आप फर्स्ट ईयर के अंदर पढ़ के आए हैं कि प्रोग्राम एग्जीक्यूशन सीपीयू एग्जीक्यूशन कैसे करता है। तो इस स्टेप के अंदर जो फाइल हमने रैम के अंदर लोड करवाई थी लास्ट स्टेप के अंदर, लोडिंग के फेज के अंदर, लोडिंग के स्टेप के अंदर, वो फाइल यहाँ वन बाय वन एग्जीक्यूट होगी। तो इस सारे को अगर हम एक डायग्राम की शक्ल के अंदर प्रेजेंट करें तो क्या होगा, सबसे पहले हम जब अपना सिस्टम रेडी करते हैं तो हमारे पास सोर्स फाइल, जब हम अपने प्रोग्राम को एंटर करते हैं तो हमारे पास जो फाइल बनती है वो एक्सटेंशन बनती है, जैसे सैम्पल डॉट सी, ये हमारे पास सोर्स फाइल है। हमने यहाँ तक इस फेज तक हमने क्या किया हुआ है, ये जो मैं ग्रीन कर रहा हूँ, यहाँ तक हमने क्या किया हुआ है, अपने सोर्स फाइल को क्रिएट किया है जिसकी एक्सटेंशन हमने रखी है .c। यानी हमने अपने प्रोग्राम को एडिट किया है, यहाँ अपने कोड को एडिट किया है, एडिट सोर्स प्रोग्राम को एडिट किया है। अब हमने नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, हमने यहाँ अपने सोर्स प्रोग्राम को कंपाइल करना। कंपाइल करने के बाद अगर उसमें किसी किस्म का कोई एरर आ जाए, अगर तो एरर यस है तो हमें दोबारा अपने प्रोग्राम को एडिट करना पड़ेगा। अगर हमारे प्रोग्राम के अंदर किसी किस्म का एरर नहीं है, यानी वो सक्सेसफुली कंपाइल हो गया, तो नेक्स्ट हमारे पास जो फाइल बनेगी वो सैम्पल डॉट ओ बी जे ऑब्जेक्ट फाइल बनेगी। अब ऑब्जेक्ट फाइल को
नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, लिंक करना। तो लिंकर क्या करता है, वो हमारी ऑब्जेक्ट फाइल को सिस्टम लाइब्रेरी फाइल्स के साथ यानी हमारी हेडर फाइल्स के साथ लिंक कर देता है। लिंक करने के बाद हमारे फर्स्ट फाइल की जो एक्सटेंशन बनती है वो डॉट ई एक्स ई है, यानी सैम्पल डॉट ई एक्स ई। यहाँ हमारे पास एग्जीक्यूटेबल फाइल आ गई है। अब एग्जीक्यूटेबल फाइल को हम क्या करते हैं, अपने प्रोग्राम के अंदर लोड करते हैं। लोडिंग और लिंकिंग हमारे डेव प्लस प्लस भी एक ही स्टेप के अंदर कर देता है। अब इसके अंदर अगर एग्जीक्यूटन करने के बाद जो हम डाटा रिक्वायर्ड चाहते हैं, अगर वो आ जाता है, अगर वो डाटा इसमें किसी किस्म का अगर कोई एरर, लॉजिकल एरर, ये लॉजिकल एरर क्या होता है कि अगर हमारा कोई पोवर लॉजिक है, इसे हम नेक्स्ट पढ़ेंगे कि लॉजिकल एरर क्या होते हैं, नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम इसको स्टडी करेंगे। फिल वक्त के लिए आप इतना याद रखें, जब हम इसे मेमोरी के अंदर, तो अगर हमारी करेक्ट आउटपुट आ जाए तो प्रोग्राम क्लोज हो जाता है। अगर जो आउटपुट हम एक्स अगर करेक्ट आउटपुट आ जाए अगर करेक्ट आउटपुट आ जाए तो प्रोग्राम हमारा स्टॉप हो जाता है, जो हम चाह रहे थे वो हो गया। लेकिन इन केस अगर हमारी आउटपुट रॉन्ग आती है तो हमें दोबारा से क्या करना पड़ेगा, अपने सारे प्रोग्राम को एडिट करना पड़ेगा कि प्रॉब्लम क्या है, फिर वो सारे स्टेप फॉलो होंगे। तो एट द एंड जब तक हमारी करेक्ट आउटपुट नहीं आती तो हमारा प्रोग्राम क्लोज नहीं होगा। तो ये डायग्राम है जिससे हम सारे फ्लो को अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि कंपाइलर किस तरह पहले एडिट करते हैं उसके अंदर सोर्स फाइल को, सोर्स फाइल्स को एडिट करने के बाद हम उसको कंपाइल करते हैं। अगर कंपाइल करेक्ट हो जाए, उसमें कोई एरर ना हो, तो देन हम लिंक करते हैं, फिर लोड करते हैं, देन हम अपने प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते हैं। तो इस ये 6 नेसेसरी स्टेप थे। ये सिक्स स्टेप से हम अपने प्रोग्राम को प्रॉपरली एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो आज की क्लास के अंदर हमने ये सीखा कि कौन से नेसेसरी स्टेप्स हैं जिनको लेने से हम अपने प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो एक दफ़ा मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ, 6 नेसेसरी स्टेप हैं जिनको यूज़ करते हुए, जिन स्टेप्स को फॉलो करते हुए हम अपने प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। सबसे पहले क्रिएटिंग एंड एडिटिंग अ सी प्रोग्राम, देन सेविंग, कंपाइलिंग, लिंकिंग, लोडिंग एंड एग्जीक्यूटिंग। ये 6 स्टेप हम स्टेप बाय स्टेप फॉलो करते हैं तो अपने प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो आज की क्लास यहाँ ही ख़त्म होती है। होप सो कि आप इस लॉन्ग क्वेश्चन को अच्छे तरीके से प्रिपेयर करेंगे। ये एक इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।